हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर के क्या हैं। ओके, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो आपको पॉजिटिवली रीडिंग को देखना है, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताएँ। थैंक यू स्प्रिट, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के। थैंक यू। सबसे पहले है एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वी हैव टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरऑल सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन बहुत ही स्ट्रांगली है। सेकंड है यहाँ पर वर्गो, पाइसिस, मीन राशि और कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बहुत स्ट्रांग है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो एंड पाइसिस। ये साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहे। कैंसर, कर्क राशि भी साइन स्ट्रांगली है। ओके, सो करेंटली देखिए यहाँ पर देखो एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। एट ऑफ सोच कहने के आपके पार्टनर मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ही ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी लाइफ में। जैसे कि वो स्टक हो गए हैं, उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है, ना वो खुद कुछ कर पा रहे हैं और चिंता में है, टेंशन में है। किस बात की चिंता उनको इतनी ज़्यादा सता रही है, किस बात की टेंशन उनको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इसी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को किस बात की चिंता है, वो किस बात को लेकर के इतने ज़्यादा स्टक हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है द एम्परर एनर्जी और यहाँ पर है किंग ऑफ कॉइन्स यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड एट ऑफ कप्स। देखिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है और वहाँ पर द एम्परर एनर्जी है जो कि क्लियरली बताती है आपके पार्टनर स्ट्रेस में इसलिए है, वो ना इस रिश्ते को लेकर के और आपको लेकर के कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते, क्योंकि एम्परर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए जाना जाता है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न वो लेना चाहते हैं, स्ट्रांगली कुछ कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे, यही बात की इनको टेंशन है। एट ऑफ कप्स, आप देख सकते हो एट ऑफ कप्स यहाँ भी है। यू नो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के इमोशंस एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, आप दोनों इमोशनली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो, इमोशनली बातें होती नहीं है, जो इमोशनल इंटीमेसी होती है वो बिल्कुल नहीं है। इमोशनल इंटीमेसी लाइक यू नो, इमोशंस को शेयर करना, ना वो शेयर कर रहे हैं ना आप उनसे शेयर कर रहे हो, एक सेपरेशन है आप दोनों के बीच में कि बातचीत ही नहीं हो रही, इमोशनल लेवल पर उतना कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप दोनों।
तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को फील होता है कि आप भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से दूर होते जा रहे हो, हम दोनों के बीच में दूरियां आती जा रही हैं, हम दोनों के बीच में जो एक इमोशनल कनेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मुझे कुछ स्ट्रांग करना चाहिए ताकि इस रिलेशनशिप में ये दूरियाँ जो है वो ना आए और ये जो एक डिस्टेंस बन गया या एक जो दूरियाँ बन गई वो कम हो जाए, इसमें चेंज वो चाहते हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं जिसके बारे में ये सोच रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। चिंता बहुत है, परेशान बहुत है, ऑफकोर्स कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन कोई भी डिसीजन वो ले नहीं पा रहे हैं। एट ऑफ वॉन्स, एट ऑफ वॉन्स वही कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एनर्जी शिफ्ट की एनर्जी है, जजमेंट, एक और मौका कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते में चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स इस रिश्ते को पहले के जैसा बनाना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर मुझे दिखाई देते कि इन्होंने ना एक ऐसी इमेज आपके सामने बना ली है बहुत स्ट्रॉन्ग कि मैं तो किसी के आगे झुकता नहीं हूँ, मैं अप्रोच नहीं करता, मैं बहुत ईगोस्टिक हूँ, एक ऐसी इमेज इन्होंने बना ली आपके सामने। और कहीं ना कहीं हो सकते हैं आपको भी लगता हो कि वो तो बहुत ही ईगोस्टिक है, उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ है, वो तो लेगा ही नहीं एक्शन। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसने इमेज ही ऐसी बना दी है। अब यहाँ पर ये भी है कि वो इसलिए भी कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे क्योंकि इन्होंने जो ये इमेज बनाई है ना, इससे परे हट के कुछ करना इनके ईगो को भी हर्ट करता है। जैसे इन्होंने इमेज बना ली कि मैं किसी के आगे झुकता नहीं, और कल को अगर ये आपके आगे झुकते हैं तो कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट होता है क्योंकि उन्होंने उसी तरीके की इमेज बना ली आपके सामने। तो ये भी एक रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा स्टक फील करते हैं और इनको टेंशन भी हो रही है कि डे बाय डे दूरियां बढ़ती जा रही हैं इस रिश्ते में, इमोशनली वो कनेक्शन जो है वो ख़त्म सा होता जा रहा है। टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी बताती है, टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी अगेन पेन को बताती है, अगेन दुख और तकलीफ को बताती है कि दुखी है, तकलीफ है, किस बात को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस बात को लेकर के दुखी हैं। टेन ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। कार्ड आना चाहते हैं, मैं लूँगी। यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल्सो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया और उधर भी टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है जिसके बाद में ना ये कुछ बोलने के लायक नहीं रहे। जैसे कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं ना जिसके बाद हमारे पास बोलने के लिए भी शब्द नहीं होते हैं, बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि फोर ऑफ सोट्स लाइक ये पर्सन ना बोलना चाहते हैं लेकिन इनका ऐसा है कि बोलेंगे तो भी इनको ही तकलीफ होगी। अपने मन की बात को सामने डेफिनेटली रखना चाहते हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कि ये अगर कुछ बोलेंगे तो भी इनको तकलीफ होगी। क्योंकि आगे भी हाई प्रिस्टिस का कार्ड और यहाँ पर फोर ऑफ सोट्स आ गया टेन ऑफ सोट्स के साथ। आई फील ये अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने जो है आपको चीट किया है, आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ दिया है, और अब आज इनको दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, तो ये फिर क्या बोलें? जब आपको दर्द और तकलीफ़ मिल रहे थे तो इन्होंने आपसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा हालचाल क्या है, तो अब ऐसे ही कैसे जाके बोल दें कि इन्होंने आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं या आपके लिए जो है ये क्रेव कर रहे हैं या आपको ये चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो तकलीफ़ इन्होंने, क्योंकि टेन ऑफ सोट्स अगेन एंड अगेन आए ना, तो देखो टेन ऑफ सोट्स क्या बताते हैं और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोट्स भी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इन्होंने पेन दिया है। टावर आ गया यहाँ पर, धोखा दिया है, पेन दिया है, और अभी इनको पेन मिल रहा है। इनको मालूम है कि जिस तरीके से इन्होंने आपको पेन दिया उसके बाद तो आप बदल गए होंगे। इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने जो पेन दिया आपको उसके बाद तो आप बदल गए होंगे, शायद इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे आप। बट मतलब वही सारी चीज़ें आप ये कह सकते हो कि ऐसा नहीं है कि आप आई थिंक आप उनसे अभी भी प्यार करते हो, अगर वो सुधर के आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, लेकिन उनको यही चीज़ लगती है कि अब आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। सो पेन इसलिए है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, या पास्ट में इन्होंने इतना रायता फैला दिया कि अब वो रायता समेटने से भी नहीं समझ रहा इनसे, और ईगो का ऊपर से इशू आ गया है।
द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. द हाई प्रिस्टेस एनर्जी बताती है हाँ आपके पार्टनर आपके साथ अभी एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, नो डाउट हाई प्रिस्टेस एनर्जी बताती है, बट वो हाइड भी कर रहे हैं चीज़ों को. यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से. द सन आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए पैशन, आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है, आपको जो ये याद करते हैं, मिस करते हैं आपको, उनको ये हाइड कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हैं, जिसके कारण इनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, मतलब लाइक यू नो बर्डन महसूस होता है. तो ये हाइड कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, हाइड कर रहे हैं आपके लिए जो पैशन है, आपके लिए जो अट्रैक्शन है उसको. मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन को हाँ आपकी तरफ अट्रैक्शन भी हो रही है और आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है, लेकिन ये उन सबको हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने मतलब अपने रियल इमोशंस, अपने रियल फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं. बट यहाँ पर द सन भी आ गया, द हाई प्रिस्टेस भी आ गया, तो ये बताता है कि हाँ आपके पर्सन आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं. ओके आपके पर्सन आपके साथ डीप कनेक्शन फील करते हैं. एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो हाइड कर रहे हैं ना ये एनर्जीज़ को, उसके कारण काफ़ी हैवी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, बहुत हैवी फील कर रही है. तो हाँ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी आपके पर्सन की जो है आपके आपको लेकर के इमोशनल एनर्जी काफ़ी आप क्रेविंग वाली है, आप ये कह सकते हो. फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. अभी बताइए किस स्थिति में है. फोर ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है निराश, परेशान, ठीक है. इनको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल भी रही है ना अभी इनकी लाइफ में, तो भी इनका फोकस उसके ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है. जैसे कि मान लीजिए लाइफ इनको कुछ अच्छा ऑफर कर रही है ना, तो भी इनको अच्छा नहीं लग रहा. जैसे कि कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में, फिर भी निराश है, फिर भी हताश है, क्यों, क्योंकि कोई चीज़ अच्छी लग ही नहीं रही है. एक बार क्या होता है जब हमारे मन में कोई चीज़ बैठ जाती है ना, तो फिर उसके बाद हमें कुछ अच्छा नहीं लगता. और सेम वही हो रहा है फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में, कि ये भी इनके इनको भी दी जा रही है चीज़ें, इनकी लाइफ में भी हो रही हैं, लेकिन उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, किसी और चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है इनका. फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. अगर कोई लव ऑफर भी इनकी तरफ आता है ना, तो इनको उसमें भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसा दिखाई देता है. फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए. फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं यही बताता है, बहुत सोच विचार में डूबे हुए हैं, द फूल एनर्जी है, एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बहुत सोच विचार में डूबे हुए हैं, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, निराश भी है, क्योंकि कोई इनके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत सोचने के बाद भी निराश इसलिए भी है क्योंकि निराशा इनको खुद से ही है. द फूल एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन ना बहुत फ्रीडम चाहते थे अपनी लाइफ में, यू नो लाइक मुझे बंधना नहीं है, मुझे किसी भी ऐसे कनेक्शन में नहीं जाना जो मुझे बांधे, ठीक है. मतलब इनका ये था माइंडसेट कि कोई मुझे रोके टोके बांधे, मुझे नहीं रहना इस तरीके से, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे खुला रहना है, मुझे आज़ाद रहना है, ठीक है. लेकिन अभी इनको वही बंधन चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं है करके. तो अभी इन्हीं सब चीज़ों को बहुत एनालाइज़ कर रहे हैं. पहले इनको लगता था कि इनको खुला रहना है, इनको आज़ाद रहना है, इनको किसी भी बंधन में नहीं बंधना, और अब इनको ऐसा लगता है नहीं, ज़रूरी है एक स्टेबल कनेक्शन का होना, ज़रूरी है एक स्टेबिलिटी का लाइफ में होना, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, ठीक है. अब यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है अगली, जो कि एक्शन को भी बताते हैं. नाइट ऑफ वॉन्स बताता है यस आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, या मैं कहूँ कि काफ़ी पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और ये एक्शन का भी कार्ड है. नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी को दी एम्प्रेस एनर्जी क्लैरिफाई करे यस ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, यस ये आपके लिए पैशनेट है. क्यों, क्योंकि ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपके अंदर इनको सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं, और वहाँ पर एम्परर है और उसी के नीचे एम्प्रेस आ गई है, तो यस आप दोनों डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में, और ऑफकोर्स अगर डिवाइन फेमिनाइन की तरफ डिवाइन मैस्कुलाइन अट्रैक्ट नहीं होगा तो और कौन होगा, राइट.
तो यस, ये इसलिए भी क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए भी एक अट्रैक्शन है। एंड हाँ, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही शर्मिंदा है और ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ा है। अच्छा, ये भी हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, अभी सेपरेशन में हो और आपके हो सकते हैं बेबीज भी हैं, तो आप ही अकेले सारी चीज़ों को की जिम्मेदारी उठा रहे हो, बट मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग दिखाई देते हैं कि आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग है, रिकन्सिलेशन का टाइम है, तो आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। ओके, यहाँ भी फोर ऑफ वॉन्स है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि अपान के चलो 3 वीक्स एटलीस्ट, ठीक है, 3 to 4 वीक्स जो कि 1 मंथ के अकॉर्डिंग होता है, सॉरी या 1 मंथ के, हाँ आप यही कह सकते हो, 3 to 4 वीक्स जो है 1 मंथ को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। तो आप जो हैं ये कह सकते हैं कि 1 मंथ में आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक्शन का कार्ड हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स बताता है कि अभी इमोशनली उतने ज़्यादा आप दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं रहा है, क्योंकि आप दोनों की बातचीत नहीं होती एक दूसरे से, आपकी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। तो 8 ऑफ कप्स लाइक इमोशनली अभी आप दोनों के बीच में बहुत दूरियाँ हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ये भी बताते हैं कि हाँ, आपके पर्सन चेंज चाहते हैं भाई इस रिश्ते में, वो चाहते हैं कि ये इमोशनल दूरियाँ ख़त्म हो जाए। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, क्योंकि ये अकेलेपन की भी एनर्जी है, बहुत अकेला सा महसूस करना, कोई सपोर्ट महसूस ना करना। स्ट्रेंथ है 9 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही अकेलेपन से अभी गुजर रहे हैं और उनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो एक अकेलेपन की एनर्जी है। वो क्यों चाहते हैं भाई आपके साथ चीज़ों को चेंज करना और ये जो आप दोनों के बीच में दूरी है इसको ख़त्म करना क्यों चाहते हैं? इसको ख़त्म करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि जब आप इनके साथ रहते हो ना तो इनको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, मतलब ये अकेलापन महसूस नहीं करते। जब इंसान अकेला होता है तो कमज़ोर महसूस करता है ना खुद को, तो ये भी खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इनको भी फील हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं बचा, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है ऐसा जिस जो कि मेरे साथ खड़ा रहे या जो मुझसे सच में प्यार करे, कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब अकेले पड़ गए हैं, अकेले में कमज़ोरी भी महसूस होती है, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं खुद को, तो कहीं ना कहीं वो आपका साथ चाहते हैं क्योंकि आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आपके साथ फिर से इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, फिर से इमोशंस को एक्सचेंज करना चाहते हैं, इमोशनल इंटीमेसी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। देखो, आपके पार्टनर ऑफ कोर्स बहुत डीपली सोच रहे हैं। देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कॉइंस, देखो 5 5 एंड 5, 5 5 5 चेंज को भी बताता है, एंजल नंबर 555 हो सकता है आपको बहुत दिखते हो, या आपके लिए नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो, यहाँ पर ना आपके पार्टनर बहुत डीप जाकर के आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। टावर कार्ड बताता है कि सडनली इस पर्सन ने आपसे कनेक्शन को ब्रेक किया, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी बहुत बुरे हुए हैं आप दोनों के बीच में और सडनली इन्होंने आपके साथ कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। अब आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि जो सडनली आपके साथ करके आए हैं, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ा, 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी, रोता हुआ आपको छोड़ दिया पीछे और पीछे मुड़ के तक इन्होंने नहीं देखा, तो ऐसे में वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी, ये सवाल इनके मन में बहुत ही स्ट्रांग है। और हो सकता है काफ़ी टाइम से इस पर्सन ने आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखा, बहुत सालों से ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, और अब सडनली इस पर्सन को सिर्फ आपकी याद आ रही है, सडनली आपके अलावा इनको कोई नज़र नहीं आ रहा,
पता है क्या होता है, जब भी हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इंसान हमें याद आता है जिस इंसान ने हमारा बहुत साथ दिया होता है प्रॉब्लम्स में। तो जब भी इनको प्रॉब्लम थी तो पास्ट में आपने भी इनका बहुत साथ दिया होगा, और अब अगेन ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, तो याद तो आएगा ही कि किसी ने पहले मेरा साथ दिया था, लेकिन जैसे इनकी स्थिति ठीक हुई इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ में डाल दिया, आपको दुख दे दिया, आपको दर्द दे दिया। अब फिर समय घूम के आया है, अब समय फिर इनको आपकी याद दिला रहा है, अब वक्त फिर से इनको जो है बता रहा है कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया। तो बस यही डीपली उनका सोचना है कि वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी, मैंने उसके साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ वैसा किया, यही सब उनके दिमाग में चल रहा है। फाइव ऑफ सोच्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सडन चेंज तो आया है आपके रिश्ते में। फाइव ऑफ सोच्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ सोच्स को फाइव ऑफ सोच्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। फाइव ऑफ सोच्स और यहाँ पर भी फाइव ऑफ कप्स है, फाइव नंबर बहुत ही स्ट्रांग है आज, तो फाइव 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 ही निकल रहा है हर बार, तो चेंजेस को बताता है फाइव 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 का कार्ड नंबर। ओके, ट्रिपल फाइव चेंजेस को बताता है, आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं गाइस, दिख नहीं रहे हैं, दिख जाएंगे थोड़े दिन में, ठीक है। आपके पार्टनर को पता है एक चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, और वो पता है क्या, आपसे आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए ये कुछ भी करते हैं, आपको हर्ट भी करेंगे, तकलीफ भी, मतलब इनका इन ये सच्चे साबित होने चाहिए, इनकी जीत होनी चाहिए, फिर आपको कितना ही ये हर्ट कर ले, मतलब इतना कि आर्ग्यूमेंट भी हो रहा है ना, तो ये आपको गिल्टी फील कराने में लगे रहते हैं, आपको गलत साबित करने में लगे रहते हैं। पास्ट में इन्होंने ये चीज़ किया, आपको ब्लेम कर देना, आपको गलत साबित करते रहना, आपको जो है लाइक यू नो ये करना कि कोई भी बात हुई है उसमें सीधा उठ के बोल देना कि तुम्हारी गलती है, आपको झुकाने की कोशिश करना, ठीक है, आपको गिल्टी फील कराने की कोशिश करना। अब खुद ये उन चीज़ों को लेकर के रिग्रेट फील कर रहे हैं, इनको खुद को फील हो रहा है कि मैंने क्या किया, मतलब ये कोई भी आर्ग्यूमेंट कोई भी बात को जीतने के लिए और खुद को सच्चा साबित करने के लिए ये भी नहीं सोचते थे कि उसको कितना हर्ट होगा, नहीं, ये आर्ग्यूमेंट पूरा पूरा करते थे आपके साथ, और ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे कि आपको गिल्ट में लेके जाते थे, और आज ये उन सब चीज़ों की वजह से खुद गिल्टी फील कर रहे हैं, खुद गिल्ट में है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और यहां पर है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर ना सोच सोच करके परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब चारों तरफ से सिर्फ अपनी ही गलती नज़र आ रही है, जितना वो सोच रहे हैं ना उतना उनको अपनी गलती नज़र आ रही है, अरे मैंने ये भी गलत किया, मैंने वो भी गलत किया, मैंने सब गलत किया, तो इनको पेन भी मिल रहा है। कभी कभी ये मानते भी कि हाँ ये जो दर्द ये तकलीफ़ जो मुझे मिल रही है ये सिर्फ मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने किया ही ऐसा है। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन ना सोच सोच करके बहुत परेशान हो चुके हैं और एक हताश और निराश एनर्जी में है, हताश और निराश होकर के बैठे हैं, करने को कुछ नहीं है क्योंकि इन्होंने रायता ही ऐसा फैलाया, मैंने कहा ना कि पास में इन्होंने रायता ऐसा फैलाया कि इनसे अब समेटा भी नहीं जा रहा है, तो हाँ एक हताश और निराश एनर्जी में ये बैठे हैं। आप ये कह सकते हो फीलिंग्स हैं लेकिन आपको कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, याद करते हैं बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब बात करने के लिए जाते हैं तो इनको अपनी गलतियां नज़र आती, फिर इनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है और गिल्ट भी महसूस होता है, तो इतना आसान नहीं है अपने आप को इस गिल्ट से बाहर निकलना और बेशर्म होकर के आपके सामने आके बहुत नॉर्मल होके बात करना, इनके लिए अभी उतना आसान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर अभी आके बिल्कुल नॉर्मल होके बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं बहुत बेशर्म दिखूंगा। ओके, तो ये हो रहा है इनके साथ। यहां से भी देख लेते हैं, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। आपके पार्टनर को
लाइफ लेसन भी मिल रहे हैं और वो अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इनको इनका कर्मा मिल गया है, ठीक है, और ये हील कर रहे हैं खुद को. फॉरगिवनेस, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि अब आप इन्हें माफ़ कर दो, इन्होंने आपको हर्ट किया है. ऑफ कोर्स अभी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं. दिस कुड बी द वन, कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप ही हो उनके लिए, लाइक यू नो उनको आप चाहिए अभी, करंटली आपकी नीड है. प्लस यहाँ पर ये कि समझ में भी आ गया है कि आपके अलावा और कोई इनको इतना प्यार नहीं दे सकता, सोलमेट. इनको आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील हो रहा है. सोल कनेक्शन मतलब सोल लेवल पर आपके साथ एक अभी कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है. ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटफुल है इस रिश्ते के लिए कि आपके जैसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में आया, और बहुत ग्रेटफुल होंगे भी अगर आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए तो, ठीक है. एडिक्टेड, हो सकता है कि अभी आपके पर्सन इतने परेशान हैं कि किसी तरीके की एडिक्शन भी उनको हो गई है, ठीक है. लाइक जैसे कि हो सकता है वो अगर वो ड्रिंक करते थे तो ओवर ड्रिंक कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें हैं जो एडिक्शन से रिलेटेड है, मे बी हो सकता है वो ओवर कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अभी स्ट्रेस में है. और जब एडिक्टेड इंसान किसी भी चीज़ का एडिक्शन जिसको होता है वो स्ट्रेस में जाता है तो उसको बढ़ा देता है ताकि वो थोड़ा वो हो. डीप कॉन्टम्पलेशन, बहुत डीप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं जो कि मुझे दिखाई भी देता है, चिंतन मनन करना. और वही मैंने कहा कि बहुत सोच रहे, बहुत सोच सोच करके परेशान हो गए, वही चीज़ यहाँ पर भी निकल के आई. मेजर चेंज जो मैं बता रही थी, क्योंकि दो बार ही ना 555 आ चुका है, मेजर चेंजेस हैं आपके कनेक्शन में और मेजर चेंजेस आने वाले हैं. हो सकते हैं अभी छोटे रूप में हो रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहे, बट आगे आने वाले टाइम में आपको ज़रूर दिखेंगे. पेशेंस रखिए, आपके पार्टनर भी अपने आप को पेशेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी पेशेंस रखिए, ये भी पेशेंस में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी कोई, क्योंकि अभी ये कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते. हाँ, ये टाइम ज़रूर लेंगे लेकिन आपकी तरफ आएंगे. मेक अ चॉइस, कुछ डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं. थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये भी हो सकता है आप दोनों की, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है रही हो. और यहाँ पर मेक अ चॉइस, मे बी इनके पास पास्ट में चॉइस थी आप या कोई और पर्सन, और इन्होंने शायद किसी और को चूज़ किया, लेकिन अभी की एनर्जी देख के मैं इतना कह सकती हूँ कि अपनी चॉइस पर भी पछता रहे हैं, ठीक है. फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, आपके साथ आने में डर लग रहा है, आपसे बात करने में डर लग रहा है, और लगना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने गलत किया है तो डर लगना चाहिए. रीचिंग कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पर पहुँचना चाहते हैं, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, ये मतलब एक चाहते हैं कि यू नो क्या अभी भी कोई मौका है आपके साथ जुड़ने का, क्या अभी भी कोई मौका है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का. तो यही सोच में कहीं ना कहीं ये है कि अभी भी कुछ हो सकता है क्या, या फिर अब कुछ नहीं बचा है, तो इनको समझ नहीं आ रहा, बट ये बहुत दुखी हैं अभी. ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो. रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.